नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। आज़ाद कश्मीर की तरफ से 2016 से खेल रही हूँ। 2016 से 2019 तक चौथा साल है मेरा इस वक्त। एक एम था कि आज़ाद कश्मीर की तरफ से मैं रिप्रेजेंट करूँ पाकिस्तान को, और पहली लड़की हूँ जो आज़ाद कश्मीर की तरफ से जो है, अभी रिसेंटली मैंने मलेशिया में जो है वर्ल्ड चुकबॉल चैम्पियनशिप पे पार्टिसिपेट किया, वो भी एज़ अ टीम कैप्टन पार्टिसिपेट किया। मेरे लिए तो वैसे बहुत बड़ी बात थी, प्लेयर होना भी बहुत बड़ी बात थी, तो मैं तो वहाँ पर एज अ कैप्टन गई थी। उसके अलावा ये है कि मैं 4 सालों से खेल रही हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर की बेस्ट एथलीट हूँ। 4 सालों से मेरा रिकॉर्ड है, किसी ने अभी तक ब्रेक नहीं किया। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं आज़ाद कश्मीर के लिए और अचीवमेंट्स भी लेके आऊँ, इंटरनेशनली खेलूँ, लेकिन मुझे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है कि मैं आज़ाद कश्मीर को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकूँ। चुकबॉल की तरफ से मैंने किया और इंशाल्लाह आगे भी अगर इवेंट होंगे तो मेरा पूरा का पूरा जो है वो जोर होगा कि मैं इंटरनेशनली खेलूं और आज़ाद कश्मीर की तरफ से रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि मुझे यहां से कोई फाइनेंस नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, कोई एफर्ट नहीं मेरे लिए हो रही, कोई फीडबैक नहीं मिल रहा, इतना एफर्ट करने का फ़ायदा नहीं है। उसके बाद ना हम लोगों के पास ट्रांसपोर्ट होती है, ना कुछ होता है, हम लोग अपने ही बिहाफ पे आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, चले जाते हैं, ना कोच है ना कुछ है। लोग बेचारे बहुत दूर दूर से आते हैं, मुजफ्फराबाद के करबो जवार से आने वाला तो फिर दूसरे दिन आ सकता है, जो भी रावला कोट बाग मीरपुर कोटली नीलम के जो इतने दूर आके एक साइन के लिए हफ्ते हफ्ते तक तरसता रहता है। जगह जगह लोग सुबह से शाम तक लोग मिनिस्टर के इंतजार में जरील होते रहते हैं। पता किया था एक मिनिस्टर साहब को वो कोटली में, तो फिर एक और मिनिस्टर साहब को पता किया था वो भी कोटली में। यहाँ पे आते हैं कोई मिनिस्टर मिलता नहीं है, होटलों पे जाते हैं, होटलों पे हम गरीब लोग हैं, हम तो इतने अफोर्ड कर नहीं सकते क्योंकि महंगाई है, तो वहाँ पे रह रहे के अभी यहाँ कोई काम हो नहीं रहा है। ये वायरस खत्म हो, हमारी वही रौनक दोबारा बहाल हो, तो क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे इसी के सहारे पे हैं, हमारा और आगे पीछे कोई कमाने वाले नहीं। मेरे वाले साहब बहुत शदीद बीमार है। यही होटलिंग हमारी जो है रोजी का जरिया था, तो आज ये बंद हो रहे हैं। कोरोना वायरस की वबा फैली है, उस दिन से मुजफ्फराबाद में कोई सयाह नहीं आया। जो होटल इंडस्ट्री है बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, मुजफ्फराबाद में सब लोगों ने होटल बंद करना शुरू कर दिए। बैंक तो मौजूद है बाज़ार, मगर इसके ना किसी आम आदमी को इसका फ़ायदा है और ना ही इसमें जो भर्तियाँ हो रही हैं वो टोटली सियासी बेसिस पे इसकी भर्ती हो रही हैं, ना किसी किस्म की कोई एडवर्टीज़मेंट होती है बाकायदा तौर पे, ना इसकी कोई इश्तहार दिया जाता है अखबार में, कोई आए कोई एप्लीकेशन जमा कराए, इसका टेस्ट इंटरव्यू हो, कोई इनकी पोस्टें जिस तरह होता है PSC होता है, जिस तरह CSS होते हैं, बाकी टेस्ट होते हैं, ये बस एक बंदे ने अपना बंदा जो सियासी आदमी उसने भेजा तो उसको उसकी अपॉइंटमेंट कर दी और पता ही नहीं चलता। बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का जब क्याम अमल में लाया गया तो आम लोगों ने और ताजर बरादरी ने इससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की और एक तवक्को थी कि ये एक ईज़ का ज़रिया बनेगा, आसानी का ज़रिया बनेगा, लेकिन अभी तक जिस चीज़ पर हमें रिजर्वेशन हैं, इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद सबका हुकूमत और मौजूदा हुकूमत जो है इसको शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दिलवाने में नाकाम रही हैं। अगर इसको गवर्नमेंट इंटरप्राइज़ के तौर पर चलाया जाता रहेगा, जब तक ये शेड्यूल्ड बैंक नहीं बनेगा तब तक ये जो है अपने अहदाफ के लिए और आवाम के लिए डिलीवर नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पर तवज्जो करे। इसके MD का अभी तक मुस्तकिलन तकरर नहीं हो सका, ये गवर्नमेंट की अदम तवज्जोही का बहुत बड़ा सबूत है, और एक शेड्यूल्ड बैंक बनाने के लिए गवर्नमेंट को लाजमन जो है कश्मीर बैंक के मामलात में वो शफाफियत लानी पड़ेगी जो एक शेड्यूल्ड बैंक के लिए ज़रूरी होती है। इसके मामलात मौजूदा गवर्नमेंट के लिए तवज्जो के मुतकाजी हैं ताकि ये शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा अख्तियार करे और आज़ाद जम्मू कश्मीर के ताजरों और आवाम के लिए फलाह बहबूद में अपना मस्बत किरदार अदा कर सके। बिल्कुल गुड गवर्नमेंट नहीं है, जो फारूक आज़ाद साहब ने लोगों से वादे किए थे, तो यही हिसाब है AJK बैंक का भी, और ना इसको शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया गया है कि यहाँ से आप ऑनलाइन कराची नहीं कर सकते, किसी दुनिया के किसी और बैंक के साथ आप कनेक्टेड नहीं है, तो इसके दायरा कार को बढ़ाया जाए तो उस सूरत में फ़ायदा होगा। बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर जब कायम हुआ तो आवाम बड़ी खुश हुई कि आज़ाद कश्मीर का अपना भी बैंक है, जिस तरह के खैबर बैंक है, पंजाब बैंक है, सिंध बैंक है, तो आज़ाद कश्मीर बैंक का क्याम बहुत अच्छी नीयत से किया गया और ऐलान किया गया था कि इसको 2 साल के अंदर अंदर शेड्यूल बना दिया जाएगा, मगर हाल ये है कि जो भी इसका नया MD आता है वो अपनी तनख्वाह लगवाता है, 3 लाख से 10 लाख तक तनख्वाह ने पहुँचा दिए, लेकिन इस बैंक को शेड्यूल आज तक कोई नहीं बना सका। इसमें जो सरकारी महकमे हैं वो अपना खाता तक इनके खोलना पसंद नहीं करते। अगर इस बैंक को 10 से 15 अरब रुपये चाहिए डिपॉज़िट के लिए
तो ये सरकारी जो हमारे जो हमारा बजट है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 1 खरब से भी अबाव चला गया है। अगर ये रकम इसमें रखी जाए तो ये तो आसानी से शेड्यूल बैंक बन सकता है। ये बैंक वाहिद बैंक है आज़ाद कश्मीर में जो ऑनलाइन नहीं है, और इसकी वही चेक बुकें हैं, वही लेजर सिस्टम है, पुराना सिस्टम है।